नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी का पहला काशी दौरा है। दरअसल तीसरी बार पीएम बनने के बाद वाराणसी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी करेंगे। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में किसानों से बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को लाभ भी मिलेगा। किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ दिया जाएगा। पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल भी होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पीएम मोदी दर्शन करने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां चुनावी जीत के बाद पीएम मोदी पहली बार काशी दौरे पर जाएंगे और वाराणसी का ये दौरा है, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री का ये पहली बार वाराणसी में आगमन होगा और इसको लेकर के तैयारियां काफी ज्यादा की गई हैं, क्योंकि पीएम मोदी का ये पहला काशी दौरा है पीएम बनने के बाद। वाराणसी दौरे पर रहेंगे नरेंद्र मोदी। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की जाएगी। संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और इस बीच किसानों से संवाद भी करेंगे। इसके अलावा लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि किसानों को ये 17वीं किस्त जारी की जाएगी। किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लाभ दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, अब वाराणसी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि जैसे ही चुनावी जीत हुई है उसके बाद ये उनका पहला दौरा माना जा रहा है। काशी से उनका एक अलग ही नाता है हमेशा से देखने को मिला है। वाराणसी पहुंचेंगे और इस दौरान खास बात यह है कि किसानों को 17वीं किस्त जारी की जाएगी। काफी लंबे इंतजार के बाद अब किसानों को ये किस्त जारी होगी और एक अलग ही उत्साह अब वाराणसी वासियों को काशी वासियों में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तैयारियां इस दौरान की गई हैं? देखिए, बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे शाम को और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। किसान सम्मान जो सम्मेलन है इसमें शिरकत करते हुए 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई वो जारी की जाएगी। ये काफी महत्वपूर्ण दौरा इसलिए भी क्योंकि लगातार तीसरी बार केंद्र में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। एक राजनीतिक तौर पर मैसेज होगा और दूसरी तरफ जो साथी किसान सम्मान निधि जो वो जारी करने वाले हैं 17वीं किस्त, इसके जरिए देश में करीब 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को करीब 20,000 करोड़ रुपए वो खाते में आएंगे सीधे डीबीटी के माध्यम से। इसके अलावा जो कार्यक्रम है दशाश्वमेध घाट जाने का, करीब 7 बजे वो वहां पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। ये 5वीं बार होगा जब वो गंगा आरती कार्यक्रम में वहां पर जुड़ेंगे। इसके अलावा करीब 8 बजे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, भगवान विश्वनाथ से आशीर्वाद लेंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद काशी का ये दौरा, संसदीय क्षेत्र का ये दौरा तो काफी चर्चाओं में है इस लिहाज से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आशा अनुरूप मैंडेट नहीं मिला है इतना जो उम्मीद कर रही थी बीजेपी, लेकिन अब उनको पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की बारी है और इसलिए यहाँ पर किसान सम्मान निधि आयोजित करने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया। और संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने दी थी। तो सम्मेलन के दौरान ही पीएम मोदी जो स्वयं सहायता समूह है उनके 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र वो भी जारी करने वाले हैं। यानी जो लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहे हैं उस कड़ी में अगर देखें तो ये कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री बिहार नालंदा जाएंगे, तो आज का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है, संसदीय क्षेत्र में है, जहां पर प्रधानमंत्री एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी देते नजर आएंगे। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से वाराणसी पहुंचने पर बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया जाएगा पीएम मोदी की तरफ से, वैसे सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है? चूंकि इससे पहले की अगर हम चर्चा करें तो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे पीएम मोदी वाराणसी, तब एक अलग ही माहौल अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था काशी वासियों में। आज क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि पिछली बार की अगर हम चर्चा करें तो पीएम मोदी की सुरक्षा में काफी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी देखने को मिली थी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। आज चूंकि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी जारी की जाएगी, इसका लंबे समय से इंतजार था और वादा भी किया गया था, और जैसे ही सरकार बनी है उस वादे को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तमाम वादे संकल्प पत्र में यहां पर बीजेपी की तरफ से किए गए थे, उन वादों को अब धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था वाराणसी में किस तरह से देखने को मिल रही है और किसानों में क्या कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है?
देखिए बिल्कुल, और किसान सम्मेलन निधि जो अर्पित करने वाले हैं, जो प्रदान करने वाले हैं, इसके जरिए एक मैसेज भी देंगे और इसमें कहीं ना कहीं ये जरूर मैसेज रहेगा कि किसान सम्मान निधि का जो पहला हस्ताक्षर किया था तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, केंद्र में जैसे ही पदभार ग्रहण किया था प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने, तो ये मैसेज देने की कोशिश थी। लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाए गए थे कि हर चीज का एक इवेंट प्रधानमंत्री वो बना देते हैं, जबकि ये एक योजना है, योजना से जुड़ी राशि का हस्तांतरण होना है, लेकिन इसको भी एक इवेंट बना दिया गया है। ये कहते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया था, इस पर वार किया था। आज के कार्यक्रम की बात करें जो वाराणसी में है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा, प्रधानमंत्री एक बार फिर से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यहाँ का दौरा कर रही हैं। ऐसे में पूरी तरीके से चाकचौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दशावेश घाट पर जहाँ गंगा आरती में पांचवी बार शामिल होंगे प्रधानमंत्री, करीब 55 मिनट तक रुकने का कार्यक्रम है। यहीं पर 40 मिनट तक वो करीब आरती देखेंगे, ये कहा जा रहा है। जो ज्योतिषाचार्य है पंडित चंद्रमौली उपाध्याय और 9 अर्चक जो है वो पूजा संपन्न कराएंगे। 18 कन्याएं ऋषि सिद्धि के रूप में मौजूद रहेंगी। 10 क्विंटल फूलों से घाट को सजाया गया है, जानकारी मिल रही है। तो पूरी तरीके से गंगा सेवा निधि के जो अध्यक्ष हैं उनकी ओर से भी जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी यहाँ पर जब रहेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से उनको एक जोरदार स्वागत की तैयारी की गई है। इसके अलावा उन्हें रुद्राक्ष की माला प्रसाद के रूप में लाल पीड़ा दिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। प्रतीक रूप में माँ गंगा आरती का प्रतीक फोटो और पीएम का चित्र इसमें रहेगा। तो ये एक प्रतीकात्मक तौर पर एक मैसेज देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड और कोलकाता से विशेष फूल मंगवाए गए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं तीसरे कार्यकाल का जो यहाँ पर आगाज हुआ है और उसके साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री जा रही है, तो विशेष तैयारियां देखने को मिल रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, तैयारियां जरूर विशेष है, चूंकि अब लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं। ऐसे में जो खामियां रह गई, जो कमियां रह गई, उनको सुधारने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। जैसे ही हमने देखा कि जिस तरह से नतीजे सामने आए और जैसे ही नतीजे सार्वजनिक हुए, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी की कैबिनेट, मोदी की कैबिनेट एक्शन मोड में नजर आ रही है। चाहे कोई भी यहां पर वर्ग हो, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, सभी मंत्रालय एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी खुद लगातार समीक्षाएं कर रहे हैं। जिस तरह से कहीं कमी या खामियां रह गई हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों में, उनको अब भरपूर करने की कोशिश की जा रही है, उनकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, यहां पर विधानसभा चुनाव में कोई चूक ना हो जाए, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। इसको लेकर भी रणनीति लगातार बनाई जा रही है। देखिए बिल्कुल, और कमोबेश उन राज्यों पर विशेष फोकस यहाँ पर कमोबेश की रह गई है, इसलिए पहले से ही वहां पर चुनावी तैयारियां वो करते हुए बीजेपी दिख रही है। कल 4 राज्यों में उन्होंने जो चुनाव प्रभारी हैं वो नियुक्त किए हैं। हरियाणा में भी कल एक बड़ी बैठक हुई है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में। तो ये जरूर है कि रणनीति बनाने में बीजेपी लगातार जुट गई है और उत्तर प्रदेश को साधने के लिए विशेष तौर पर आगे आने वाले दिनों में समीक्षा बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कमोबेश रही है लोकसभा सीटों को लेकर, इनकी भरपाई के लिए विशेष तैयारियां अब देखने को मिलेगी। और इसी कड़ी में आज जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा प्रधानमंत्री कर रही हैं, तो वहां पर एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी वो देते नजर आएंगे किसान सम्मान निधि के साथ ही। तो ये जरूर है, घाट पर पूजा अर्चना और इसके अलावा बाबा विश्वनाथ के दरबार में वहां पर पूजा अर्चना करना प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल है, पीएमओ की ओर से जानकारी दी गई है। तमाम ऐसे पहलू हैं जो इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े हैं और निश्चित तौर पर एक राजनीतिक जो एक मैसेज है वो भी देते नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिए, हम फिर लौटेंगे आपके पास।